एक गुलाब जल दे दीजिए भाई, यही है ना एक ये पॉन्ड्स का वो दे दीजिए बॉडी लोशन। दोस्तों ये एक लड़की है जो तीन चार बार आ चुकी है इस दुकान पे, पेमेंट करती है लेकिन पेमेंट रिसीव होता नहीं है इनको। भैया काफी परेशान थे, आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया है। देखिए ये पेमेंट कैसे करती है, रिसीव क्यों नहीं होता है। जो भी लोग ऑनलाइन लेन देन करते हैं ये वीडियो खास तौर पे उनके लिए काफी जरूरी है। ध्यान से देखिए और सावधान सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपका भी अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट क्यों खतरनाक है और क्यों सावधानी बरतनी चाहिए, चलिए इसको तो आज रंगे हाथों पकड़ेंगे और आप लोग को दिखाएंगे ये स्कैम कैसे होता। पता नहीं यार ये कितने दुकान वाले को लूटती होगी, हमेशा आती रहती है ना यहाँ पे। हाँ को आज इसी से पूछेंगे। पेमेंट करती है, आता नहीं। पेमेंट कर दी भाई, आना बाहर, आना बाहर, आना। हेलो 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 हेलो, मैडम दिखाना कितने का पेमेंट किया। 1250 का पेमेंट, ये देखिए दोस्तों 1250। भैया एक बार चेक करना आप, बट आप कैमरा क्यों निकाले हो? कैमरा कुछ नहीं, यहाँ काफी लेन देन होता रहता है ना, इसलिए खरीदारी के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार ही चेक करना, पेमेंट रिसीव हो गया है? पेमेंट किए आप? 1250 का दिखाना एक बार अच्छे से, पेमेंट मैसेज दिखाइए। आपका इशू होगा कुछ, नेटवर्क इशू? ओके ओके, क्या क्या इशू है? जी जी बिल्कुल, अभी क्या क्या इशू होगा अभी सामने दिख जाएगा। ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज? ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। भैया एक मिनट, ये मोबाइल पकड़ना। इशू होगा तभी नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा, इसके पहले भी आपने बहुत पेमेंट पहले भी किए थे आप, वो भी मैसेज नहीं आया तो बैंक ने। इनका कहना है तीन चार बार पेमेंट कर चुकी हो, इनके दुकान से खरीदारी कर चुकी हो लेकिन एक भी पेमेंट आया नहीं है। एक मिनट मैडम, आप मोबाइल बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार जा करके। हाँ बैंक स्टेटमेंट, वो मैसेज आता है ना इसमें, तो होता है बैंक का इशू होता है। एक बार आप एक बार सामने रहिए, अभी 1250 रुपए का आपने किया है ना, फोन नहीं हटेगा मैडम। आप सामने, आप सामने रहिए, आप सामने रहिए। तीन से चार बार आपने पेमेंट किया है इनको और इनका कहना भैया एक भी पेमेंट नहीं आया है ना अभी तक। एक बार भी पेमेंट नहीं आया है। और मुझे पता है कि ये सरासर स्कैम है, फ्रॉड है। अब आप करती कैसे हो? कैसे आपको पता ये फ्रॉड है? ये दुनिया में चल रहा है, यही सब चल रहा है। एक ऐप आता है ना, आप देखो ना, पेटीएम है ये। पेटीएम है ये? हाँ। ओके, आप एक बार इसको बैक करना, आप नाम भी देख लो, नाम भी तो आ गया सीट एंड टाइम। हाँ हाँ, ये वाला आ गया ना। आपने स्कैन करके पे क्यों नहीं किया है? एक्चुअली मेरा कैमरा खराब है फोन का। अच्छा कैमरा खराब है, ओके ओके, कोई ना। आप एक बार मोबाइल यहाँ रख दो, आप मोबाइल रख दो, आप मोबाइल रख दो ना। आप मैडम एक मिनट, एक मिनट, आप बदमाशी, आप एक काम करो, टच क्यों कर रहे हैं? टच नहीं कर रहे हैं आप। एक बार पेमेंट भी नहीं आया आपका, 1600 आप एक कम करो ना, इसे इसको चेक कीजिए, बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए ना। मैसेज भी नहीं आया है ना, पेटीएम में आ रहा है वो। मैडम एक काम करो ना, अच्छा कूल डाउन कूल डाउन। मैडम एक काम करो, आप इसको बैक कर दो एक बार। काय को बैक करना एक बार? सॉरी नहीं नहीं, बैक क्यों? मैं अपना फोन आपको दिखाऊं बैक करके? मैं तो टच भी नहीं कर रहा ना आपके फोन को। आप यहाँ रख दीजिए, मुझे वहाँ से आना है ना। नहीं नहीं, आप यहाँ रख दीजिए फोन को। सॉरी ये नहीं, प्लीज आप ये दिखाइए कि आप ये जादू करती कैसे हो आखिर। आप दिखा, आप दिखाओ, आप इसको बैक करने के बाद देखो गलती आपने की है, एक्सेप्ट कीजिए। और दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ये वीडियो, ताकि ओके ओके सब खराब है, सब पता चल जाएगा। अभी आप थाना जाना पसंद करोगे पुलिस के पास या यहीं पे क्लियर करोगे? मैं बुला देती ना पुलिस। आप बुलाओ, आप बुलाओ, आप बुलाओ, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज हर किसी तक पहुंचे। नॉर्मली बात कर रहे हैं ना आप, फोन हटा के बात करो। आप एक बार, दो ऑप्शन है आपके पास, पुलिस या फिर आप मामला यहीं रफा दफा करोगे। जल्दी बताओ, डरने की भी जरूरत नहीं है, आपने सामान लिया है तो आप पेमेंट करो। आप वो ऐप ओपन करो जिससे आपने पेमेंट किया है। दोस्तों वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ऑनलाइन इस जमाने में ये वीडियो हर किसी तक पहुंचना काफी जरूरी है। ओके पेटीएम है ना, आपने पेटीएम से किया था? आपने क्या किया था सही सही दिखा दो, वरना मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा भाई। फोन छीन करके मैं दिखा दूंगा लोगों को, फोन छीन करके मैं लोगों को दिखा दूंगा, मुझे भी पता है इसके बारे में। सच सच बता दो आपने क्या किया है, उसके बाद आप बेशक यहाँ से चले जाना पेमेंट करके। किससे? ओके इसे ऐप को खोल के दिखाइए मैम। हाँ पेमेंट आपने किया क्या है दोस्तों? देखिए ये एक ऐप होता है, यहाँ पे एक मिनट आप साइड हो जाओ, यहाँ पे आप जिसका भी नाम डालोगे, जैसे NISHA निशांत डाल दिया। अब मैडम ने नाम पहले पूछ लिया था, इसलिए सावधानी बरती आप लोग।
स्कैन करते समय नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, फोन नंबर कुछ भी डाल दिया मान लो। एक मिनट मैडम, आप यहीं रहो, आप फोन छोड़ करके भी भाग रहे हो अपना, फोन भी ज्यादा कीमती है। यहाँ डाला और अमाउंट मान लो 1250 रुपए, टाइमिंग डाल दिया, ये डाल दिया, ये सबमिट किया, ये देखो मैंने भी कर दिया 1250 का पेमेंट। वाह यार, ये सब स्कैम फ्रॉड आजकल शोभा नहीं देता, आप लोगों को तो जागरूक करना चाहिए लोगों को। ये देखिए भैया, आप लोगों को भी बहुत सतर्क, जी आप लोगों को काफी सतर्क होकर के दुकानदारी करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा कितना लूट जाएगा। तो एक काम कीजिए, पिछला इनका देखिए कितना हिसाब है। मैडम यहीं खड़े रहो, पिछला कितना हिसाब हुआ था इनका ये देखिए, और चुपचाप से आप कैश में पेमेंट करके निकल जाइए। कैश मेरे पास है नहीं, तो मुझे एटीएम जाना होगा। कोई ना, एटीएम के बहाने भाग जाओगी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कार्ड पेमेंट, यहाँ मशीन है, एटीएम मशीन भी है, यहाँ पे कार्ड पेमेंट आप कर सकती हो। नहीं, सामान आप ले कहाँ से जाओगी, पैसे नहीं रोक सकते। मैं नहीं रोक रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि पिछला हिसाब देखने दो। ठीक है, वीडियो इसलिए बन रहा है मैडम कि लोग जाने आजकल क्या चल रहा है इस ऑनलाइन जमाने में। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो काफी ज्यादा सतर्क रहने के लिए, ये फ्रॉड है, सामने देख रहा है ना उस ऐप से किया आपने, ये फ्रॉड नहीं तो और क्या है बताओ। मैं चाहूँ तो अभी 420 का केस कर सकता हूँ आप पे, बट आप एक लड़की हो, आप लोग मेरे साथ बदतमीजी। अच्छा, मैंने बदतमीजी किया, ओके, ये वीडियो दुनिया देखेगी, सभी लोग देख रहे हैं। भैया हिसाब बताओ टोटल कितना हुआ, आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई बकझक नहीं कर रहा, आप कैश में पेमेंट कीजिए, अपना सामान लीजिए और जाइए। अपना बैंक स्टेटमेंट जाके देखो ना, अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो। अरे मैडम, अब सामने क्लियर हो गया कि आपने स्कैम किया है, उसके बाद भी स्टेटमेंट सारा का आता है। भैया एक मिनट, स्लिप नहीं आ रहा है मैसेज। आप एग्जैक्टली, और अब तो दुकान में वो भी स्पीकर भी लगा पड़ा है, रिसीव होते के साथ ही वो खुद बोल देता है। ओके, सब कुछ खराब है। आप मैडम, आप एक बार एक्सेप्ट कर लो कि आपने गलती की है, पेमेंट कीजिए और जाइए। भैया कितना हो गया, एटीएम नहीं जाना, कैश है आपके पास, मुझे पता नहीं है, मेरे पास मुझे पता है, मुझे पता है, सब पता है। आप अभी देंगी कैश। भैया पुलिस को फोन कर लो, अभी कैश तुरंत ही मिल रहा है। 3000 हो रहा है इनका, 3000 हो रहा है जी। ओके चलिए, 3000 मिला के, हाँ बहुत सही बात है मैडम, दीजिए वरना पुलिस। कैश नहीं है, मैं एटीएम से आती हूँ फिर आपको देती हूँ। आप करके जाओ ना मैडम, ज्यादा टाइम जरूरत नहीं है वेस्ट करने की, आप पैसे दीजिए और निकल जाइए इज्जत से, पैसे दीजिए। और अगर सामान ये लेना है तो आप लेकर के जाओ, अभी आपने जो भी कुछ लिया है, अदरवाइज इसको छोड़ करके जाओ। सब है।